एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के सीखड़ विकास खंड के ग्राम रामगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह ने पपीता और एप्पल बेर का निरीक्षण किया, जिसमें किसान मनोज कुमार सिंह और सोहन सिंह थे। उसमें किसानों ने बताया कि एप्पल बेर से लगभग 4 बीघे में कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की इनकम हो जा रही है और एप्पल बेर में 1 बीघे में 1 साल में 2 लाख की इनकम हो रही है। पपीते पर उद्यान विभाग द्वारा 23,000 रुपए का अनुदान के रूप में दिया गया है। इस प्रकार जनपद मिर्जापुर में किसानों को बहुत ही अच्छी इनकम हो रही है और इससे किसान बहुत ही प्रेरित है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार से किसानों को एक जगह से दूसरी जगह लाकर विजिट कराएं और उनमें उद्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। जनपद में लगभग 40 बीघे में एप्पल बेर का रोपण किया गया है, जिसमें मढ़ियान व 96 ब्लॉक राजगढ़ ब्लॉक शामिल है। आपने कितने क्षेत्र में ये पपीते खेती कर रखी है? 4 बीघे में। 4 बीघे में, तो इसमें जो पूरा आपने पेड़ लगाए हैं कितना खर्चा आपका आया है? खर्चा है 70-80 हज़ार। और ये पूरी जो फसल आपकी तैयार हो जाएगी और इसको आपके जो लोग ले जाएंगे, जो फल विक्रेता हैं, आपको कितना टोटल प्रॉफिट होने की उम्मीद है? सर वो रेट पर है। नहीं, तब भी एक अंदाजा बताइए हमको। जिससे पर भी जो ऐसे जैसे खेत बिक जाता है तो 1 लाख रुपये पर भी है। तो टोटल कितना आपने जैसे 4 बीघा बताया? 4 लाख। तो आपको 4 लाख मिल जाएगा। लागत कितनी लगी 4 बीघे में? 80। तो मतलब 80,000 लगा के आपको 4 लाख मिल जाएगा। 4 गुने से ज्यादा, 5 गुना हो गया सर सीधे। 8-40। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी किसानों की आय को 2 गुना करने की बात कर रहे हैं और आप जैसे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अगर इसी प्रकार से खेती करते रहे तो निश्चित रूप से सभी की आय 4 से लेकर 5 गुने से ऊपर बढ़ जाएगी। जरूरत इसकी है डीचो साहब की आप पूरे जो जनपद के जितने भी हमारे फार्मर्स हैं जो पपीते की खेती करना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर लाइए, इनको यहाँ दिखवाइए और मनोज जी से मिलवाइए और इनका भी जगह जगह जो है प्रशिक्षण करवाइए। और जो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पपीते की पौध को आप निशुल्क बंटवा रहे हो, तो उसको और तेजी से करवाइए। हर घर आदमी, हर अपनी मेड़ पर, जहां आपने खेत की, आपने घर के आसपास पपीते के कि जितने हेल्दी मतलब ये फ्रूट्स वाले लगे हुए हैं इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के लोहिया ट्रस्ट समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में देश की सेवा करने वाले सैनिक जो कि रिटायरमेंट के बाद आज सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आप आए हैं आज और आप सेना से रिटायर हैं? रिटायर हैं सेना से हम। क्या नाम है आपका? मेरा शंभू यादव नाम है। मैं आर्टिलरी हमारा यूनिट है उससे हम बिलोंग करते हैं। क्या आपने देखा है समाजवादी पार्टी में कि आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? हाँ, समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ देखा, जो मतलब युवाओं के लिए काफ़ी इन्होंने हद तक काम किया है। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम विजय कुमार यादव है, फौजी। आप किस पोस्ट पर हैं समाजवादी पार्टी में? मैं समाजवादी पे सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज पार्टी कार्यालय पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज पार्टी कार्यालय पर हम अपने 3 रिटायरमेंट फौजियों को लाया हूँ और इनको उपाध्यक्ष का, तीनों लोग जिला उपाध्यक्ष की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। लोग पार्टी कार्यालय पर सेना के कुछ रिटायर लोग आज आपसे जुड़ने के लिए आए हैं, क्या है ये आज का प्रोग्राम आपका? हमसे मिलने भी आया, समाजवादी पार्टी में जुटना चाहते हैं, संस्था ग्रहण करना चाहते हैं और ग्रहण किए हैं आज। और मैं इन लोग सबको सैनिक प्रकोष्ठ का सबको पदाधिकारी बनाने वाला हूँ और बनाएंगे सबको पदाधिकारी। और इन लोग के रहने से हम समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की और नौजवानों और सैनिकों का हमेशा सम्मान किया है और हम लोग इनका सम्मान करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में खुर्मतुल इकराम फाउंडेशन के तत्वाधान में वासलीगंज के परमानंद गली में एक पैलेस में डॉक्टर जहीर मोहम्मद की पुस्तक मिर्जापुर की अदबी तारीफ का विमोचन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक भगवती चौधरी ने किया। इसकी सदारत मशहूर शायर जफर मिर्जापुरी ने की। इस दौरान
मुख्य अतिथि भगवती चौधरी ने मिर्जापुर पर उर्दू लिपि में लिखी गई डॉक्टर जहीर की पुस्तक के लिए बधाई दी और कहा कि लोगों को साहित्यकारों के महत्व को समझना चाहिए और उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य जीवन को नई दिशा देता है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर जहीर मोहम्मद ने कहा कि उनकी पुस्तक में मिर्जापुर के अदबी साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है उर्दू अदब उर्दू साहित्य को फ़रोग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर जहीर मोहम्मद साहब ने तीन किताब लिखी है, चौथी किताब इनकी है ये, तो ये चौथी किताब है मिर्ज़ापुर की अदबी खिदमात, इसका जिसका विमोचन या रस्म इजरा है अभी, और अभी इसका रस्म इजरा किया जाएगा। और ये गंगा जमुनी तहजीब का जो हमारी रवायत रही है सदियों पुरानी, उसको हम लोग याद करते हैं, उसको दोहराते हैं। तो आज एक तरह से किसी पुस्तक का विवेचन कर रहे हैं आप? जी, डॉक्टर जहीद मोहम्मद साहब तीन किताब लिख चुके हैं, चौथी किताब इनकी है, ये रहने वाले विजयपुर के हैं, और यहाँ पर इनका विमोचन मोहम्मदुल इकराम लिटरेरी फाउंडेशन ने उसका आयोजन किया, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। जनता में क्या संदेश जाता है इस आज के शेर व शायरी, उर्दू अदब, हिंदी अदब, अदब साहित्य कोई भी हो, जनता के लिए ही है। जब तक जनता उसमें शामिल नहीं होगी, शेर व शायरी और कविता अपने आप में नगण है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना विंध्याचल पहुंचकर सुनी गई समस्याएं। जनपद के अन्य थानों पर भी उक्त अवसर पर थाने में आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी गई तथा निस्तारण भी किया गया। वहीं कोतवाली शहर में दो प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया। कोतवाली कटरा में एक और विंध्याचल में चार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए कोतवाली देहात पर चार प्रार्थना पत्र और कछुआ में तीन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के मिशन कंपाउंड स्थित जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मिर्जापुर प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर सभी विभाग व प्रकोष्ठ के लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक चूँकि 28 तारीख को 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय पदयात्रा होनी है, उस पदयात्रा की तैयारी बैठक है ये। और साथ ही हमारा संगठन सृजन अभियान पार्ट टू चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके तहत हम उत्तर प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों में बैठक करके न्याय पंचायत इकाई का गठन कर रहे हैं, ग्राम सभा इकाई का गठन कर रहे हैं, उसके लिए जो है न्याय पंचायतों में खुली बैठक हो रही है, हर ग्राम सभा से 10-10 कार्यकर्ता जो उस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके लिए रणनीति और जिम्मेवारी तय की जा रही है। आपका परिचय? मैं देवेंद्र प्रताप सिंह हूँ, सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के भरवना स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष नीलम यादव की अध्यक्षता में महिला विंग की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें संगठन की समीक्षा की गई और महिला जागरूकता अभियान चलाने पर विचार किया गया और आगामी जिला पंचायत के चुनाव लड़ने को लेकर भी तैयारी की गई। आदि पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन निर्माण, अपने संगठन विस्तार के लिए हर एक ज़िले में जा रही है, और चूंकि मेरा आने का एक मकसद था, हम अपने संगठन की समीक्षा करने आए थे,
और एक महिला जागरूकता अभियान जो हम लोगों ने छेड़ा है उसका एक समीक्षा बैठक था और संगठन का निर्माण और विस्तार था। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं पंचायत के, उसमें क्या भागीदारी है यूपी में आपकी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव लड़ रही है और पूरी दमदारी से लड़ रही है, और जहाँ जहाँ हमें जिला पंचायत अपने कैंडिडेट मिलेंगे उनको दमदारी से हम लोग लड़ाएंगे। आपने अभी महिलाओं की मीटिंग की है, क्या दिशा निर्देश दिया है आपने? हमने ये दिशा निर्देश देखिए नहीं है, ये हमने उनको जागरूक किया है, उनका क्या हक है, एक महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश में उनकी क्या क्या मांगे हैं, उनको क्यों बरगलाया जाता है, उनको क्यों इस तरह से उनके साथ मतभेद किया जाता है। जिस तरह से आज देखिए महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए आप, आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बच्चों के साथ जो जघन्य अपराध और हत्याएँ हो रही हैं उसके लिए उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपके आसपास जो भी ऐसी घटना हो उसके लिए आवाज़ उठाइए, सड़क पर आंदोलन कीजिए, अपनी जायज़ हक की मांग को पूरा करने की सरकार से बिल्कुल आप लोग लड़ाई लड़िए। आपका नाम और पद? मैं नीलम यादव हूँ, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष।